चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अनियन कैप्सिकम योगर्ट बंस। आइए इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। योगर्ट बन बनाने के लिए हमें चाहिए योगर्ट, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, ऑरिगेनो, लाल मिर्च, टमाटर और बन। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना योगर्ट बन। योगर्ट बन बनाने के लिए हमने ये ब्राउन बन लिया है, इसको हम बीच में से आधा कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसको हमने हाफ कर लिया है। अब हमने ये योगर्ट लिया है, हमने दही लेकर उसको मोस्टन क्लॉक में डालकर आधे घंटे के लिए हमने इसको हैंग कर दिया है टाइट बांध कर, और उसके बाद हमने आधे घंटे के बाद हमने इसको निकाला है। इसका जितना भी पानी है वो निकल चुका है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है। ये देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है। ऐसे ही हमने इसको बना लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे शिमला मिर्च, ये हमने बारीक काट कर रखी है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम अपने बारीक कटे हुए प्याज और छोटा सा टमाटर का पीस है, ये भी हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। ऐसे हमने इसको काट लेना है। बारीक टमाटर हमने काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्तियां डालेंगे इसमें हम, थोड़ा सा नमक चुटकी भर, ऑरिगैनो इसमें भी नमक होता है ध्यान से डालेंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे चुटकी भर, आप चाहें तो उसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो वेजिटेबल्स चाहें अपने मनपसंद इसमें डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार है। इसको अब हम अपने बन के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही लो है ये कैलोरीज में बन, हमारा जो है आटा बन है और ये योगर्ट में भी ज्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं और ये टेस्टी भी बहुत ही बनता है, बहुत टेस्टी होता है ये। अच्छे से हम इसकी स्टफिंग करेंगे। ये हमने इसकी स्टफिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। हमारा ओवन हमने प्री हीट कर लिया है, इसको अब हम 250 डिग्रीज में 5 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये योगर्ट बन हमारे बनकर तैयार है, टेस्टी योगर्ट बन बने हैं। आप इसे मेरी रेसिपी से बनाकर देखिए, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।